प्यारे बच्चों सुप्रभात। लीजिए आपके समक्ष पुनः एक बार हम आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। आपका अगला चैप्टर कक्षा इसे संस्कृत कक्षा सिस्टम यानी 6 अध्याय आपका 10वां है, जिसका शीर्षक हम पढ़ रहे हैं कारक। कारक में हमने अभी तक के वीडियो में आपको बताया कि कारक हमारे संस्कृत में 8 गिने जाते हैं और उन्हीं कारकों के माध्यम से हम सभी जानते हैं कि हम अपने वाक्यों को पूर्ण रूप से शुद्ध रूप से लिख पाते हैं। तो कारक में हमने जाना कि प्रथमा विभक्ति, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी और षष्ठी, सप्तमी और संबोधन, ये आपके कारक की विभक्तियां हैं। और कारक का अगर नाम देखिए तो कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, ये क्या लिखा है? संप्रदान। इसके पूर्व वाले जितने भी वीडियो हैं उसमें हमने कर्ता, कर्म और करण इनका अध्ययन कर लिया। अब है संप्रदान। संप्रदान का अगर हम अर्थ देखें, जैसे देखें तो सम उपसर्ग, उपसर्ग पूर्वक, प्र विशिष्ट पद, उपसर्ग और दान, दान अर्थात किसी को कुछ देना के अर्थ में हम प्रयोग करते हैं, इसलिए ये संप्रदान दान के अर्थ में प्रयोग होता है। और इसके चिन्ह की अगर बात करें तो पहले वीडियो में ही आपको बताया था कि किस तरह से समस्त कारकों के चिन्ह भी हैं, जिससे हम पहचान सकते हैं कौन सा कारक है। तो संप्रदान के लिए के अर्थ में प्रयोग होता है, जो कि चतुर्थी विभक्ति में हमें कारक है संप्रदान, जो कि दान के अर्थ में प्रयोग होता है, इसका चिन्ह है के लिए। तो इस प्रकार से हम कारक प्रकरण का चतुर्थी विभक्ति संप्रदान, जो कि दान के अर्थ में है, जिसका चिन्ह होता है के लिए, अर्थात जहां पर भी हम प्रयोग करते हैं वाक्य कि राम के लिए चाय ले आओ, तो राम आए, चतुर्थी विभक्ति में के लिए, राम के लिए है तो राम आए, लक्ष्मण के लिए तो लक्ष्मण आए, मनमोहन के लिए है मनमोहन आए, श्याम के लिए श्याम आए, इस तरह के चतुर्थी विभक्ति में हम शब्द रूप का प्रयोग करते हैं। तो आइए जानते हैं आपका चैप्टर संख्या 10 जो कि चतुर्थी विभक्ति है, इसमें आइए देखते हैं आपके इस डायग्राम में कुछ चित्र फलक है, जिसमें ब्राह्मण घाटों पर स्नान कर रहे हैं, दूसरे में कुछ उपहार वस्त्र आदि लोगों द्वारा दिया जाता है, और तृतीय में मुनिगण आपका यज्ञ करते हुए, शुद्धिकरण करते हुए दिखाए गए हैं। तो आइए अध्ययन करते हैं किस तरह से हम चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग इस पाठ में देखें। एतत् तीर्थ स्थलम् अस्ति, अत्र अनेकानि मन्दिराणि सन्ति, समीपे एव गंगा नदी प्रवहति, जनाः दूरदेशेभ्यः अत्र आगच्छन्ति, स्नानं कृत्वा जनाः ईश्वर दर्शनाय मंदिरम प्रविशन्ति। हमने ये पहला शब्द देखा, यहाँ पर पहला शब्द है दर्शनाय, ईश्वर दर्शनाय, पहला शब्द प्राय प्राप्त किया हमने। पुनः आगे वाली लाइनों में लिखा हुआ है ते पूजाये, ते पूजाये, दूसरा शब्द हमें मिला पूजाये। अनेकानि द्रव्याणि ब्राह्मणाय समर्पयन्ति, ये आपके दूसरे शब्द में हमने आपके गलत लिख दिया है, तृतीय विभक्ति का कारक था। यहां पर हमें देखना है ब्राह्मणाय, ब्राह्मणाय, पुनः हमें शब्द मिलेंगे, एक बार हम इसका वाचन कर लें, पुनः छांटकर शब्दों को लिख लेंगे और पुनः समझने का प्रयास करेंगे। ते पूजायै आनि तानि द्रव्याणि ब्राह्मणाय समर्पयन्ति, ब्राह्मणः तानि द्रव्याणि मन्त्रोच्चारणे स इष्टेभ्य देवेभ्य, पुनः शब्द मिलते हैं
चतुर्थ सूत्र है देवेभ्यः। प्यारे बच्चों, आपको समस्त शब्दों के रूप जब तक याद नहीं होंगे तब तक ये क्यों इस तरह लिखा है, ये क्यों इस तरह लिखा है, यहाँ आए हैं नाए हैं, ये भ्य क्यों हो गया, भ्य क्यों हो गया, ये आपको समझ में उतना नहीं आने वाला जितना आपको शब्द रूपों का ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। मैंने आपको पीडीएफ फाइल में या शब्दों के माध्यम से आप सभी को कहा था कि आप लोग अस्मद और स्मद रूप शब्द का रूप याद कर लें, इसके साथ ही साथ पुल्लिंग में शब्द रूप राम या बालक का रूप याद कर लें। इस तरह से जैसे जैसे आप रूप याद कर लेंगे आपको वाक्यों को समझने का और लिखने का बनाने का ज्ञान हो जाएगा। तो आइए जानते हैं चतुर्थी विभक्ति कहाँ प्रयोग होती है। ब्राह्मण तानि द्रव्याणि मंत्रोच्चारेण सर्वेभ्यः देवेभ्यः अर्पयति। पूजया भक्ता मानसिकीं तुष्टिं प्राप्नुवन्ति। अन्ते जनाः ब्राह्मणाय अर्चनाम् अपि यच्छन्ति। ब्राह्मणाय पहले से हम लोगों ने लिख लिया है। तदंतरं लोका पुण्याय दानं यच्छन्ति। पुण्याय पांचवा शब्द में मिल गया पुण्याय। ये आपका ड है आधा मूर्धन्य पुण्याय। तेन धनेभ्यः पुनः शब्द में प्राप्त हुए निर्धनेभ्यः। सप्तमी शब्द में अब हम देखें तो ब्राह्मणेभ्य तो मिला ही, ब्राह्मणाय का शब्द रूप हो जाता है। भिक्षुभ्य भिक्षु का अर्थ होता है जो भीख मांगते हैं या भिक्षा के लिए आते हैं, उनके लिए होता है भिक्षुभ्य। इसके बाद भी शब्द में मिलेंगे जैसे निराश्रिताभ्य वृद्धाभ्य च वस्त्राणि अन्नानि धनानि च समर्पयन्ति। केचन उपच्छितेभ्य भोजनाय निपासितेभ्य च जलम् यच्छन्ति। अत्र कथा वाचका उपदेशकाश्च लोकेभ्य धर्मोपदेशे धर्मोपदेशम् यच्छन्ति। इस तरह से हमने देखा कि किस तरह से इस पैराग्राफ में हमें चतुर्थी विभक्ति संप्रदान दान के अर्थ में के लिए चिन्ह के साथ में शब्दों का एक क्रम मिलता है। जैसे पुण्याय निर्धनेभ्य ब्राह्मणेभ्य भिक्षुकेभ्य निराश्रितेभ्य वृद्धाभ्य, इसके अलावा बुभुक्षितेभ्य पिपासितेभ्य लोकेभ्य, ये जो शब्द आए हुए हैं अभी किस तरह से आपके संप्रदान कारक को प्रदर्शित करेंगे आगे जाने के इसके अनुवाद और अर्थ को समझते समय। तीसरे डायग्राम में तीसरे फोटोग्राफ में आपको देखने को मिल रहा है मुनियों द्वारा यज्ञ किया जा रहा है। यज्ञ में कौन कौन सी प्रक्रिया हो रही है, कैसे कैसे हवी डाला जा रहा है, कैसे कैसे हम उसका फल प्राप्त करते हैं, इसमें आपको जानने को मिलेगा। लिखा है केचन जना तीर्थ स्थाने पितृभ्य पिंडानि अपि यच्छन्ति। अन्ते जना यज्ञम् अपि कुर्वन्ति। ते हवनाय समिधा आनयन्ति। यवेभ्य तिलेभ्य आहुति रचयित्वा देवेभ्य देवेभ्य च अर्पयन्ति। तथा गंगा यमुनादिभ्य पवित्राभ्य इति कथित्वा स्वगृहं प्रति आगच्छन्ति। तो ये आपके तीन चित्रों के माध्यम से हमें चतुर्थी विभक्ति को समझने का प्रयास करने के लिए यहां पर कुछ ऐसे डायग्राम के साथ वाक्य लिखे हुए हैं। तो
आइए जानते हैं इसका अनुवाद। अनुवाद के लिए हम आपको अभ्यास कार्य के लिए बहुत सारे ऐसे उपकरण या बहुत सारे ऐसे शब्दों को प्रदान करेंगे जिससे आपको पता चलेगा कि विभक्ति कौन सी है और कारक कौन सा है। संप्रदान कारक का पहला जो डायग्राम है जिसमें गंगा स्नान ब्राह्मणों द्वारा हो रहा है, जानते हैं कैसे एतत् अर्थात यह तीर्थस्थलम् अस्ति, तीर्थस्थल है। अत्र यहां अनेकानि अनेकों मंदिराणि सन्ति, बहुत सारे अनेक मंदिर हैं, मंदिरे हैं। समीपे नजदीक में एव हि गंगा नदी प्रवहति, गंगा नदी बहती है, प्रवहति का बहती है। जना लोग दूर देशभ्य दूर देशों से अत्र यहां कहां पर तीर्थस्थान, तीर्थस्थान पर आगच्छन्ति आते हैं। स्नानं कृत्वा स्नान करके जना लोग ईश्वर दर्शनाय, ईश्वर के दर्शन के लिए, हमने लिखा है दर्शनाय, हम पढ़ क्या रहे हैं संप्रदान कारक चिन्ह क्या है के लिए, दर्शन के लिए दर्शनाय, दर्शन के लिए दर्शनाय, इसके दर्शन के लिए ईश्वर दर्शनाय, ईश्वर के दर्शन के लिए मंदिरम प्रविशति, मंदिर में प्रवेश करते हैं कौन, जना, कौन से जना, दूर देशेभ्य, दूर देशों के लोग अर्थात विदेशी लोग, दूर दूर देशों से आए हुए लोग ईश्वर दर्शनाय, ईश्वर के दर्शन के लिए अत्र यहां आते हैं। ते वेसति पूजाय, पूजा के द्वारा आनितानि द्रव्याणि, द्रव्याणि पैसे वस्त्र आभूषण, ले आए हुए पैसे और आभूषण को ब्राह्मणाय, ब्राह्मणाय अर्थात ब्राह्मण के लिए, यहां पर भी हमने देखा दर्शनाय दर्शन के लिए, ब्राह्मणाय ब्राह्मण के लिए, क्या ले आते हैं स्नानं कृत्वा, स्नान करके जना लोग ईश्वर दर्शनाय, ईश्वर के दर्शन के लिए मंदिरम प्रविशन्ति, मंदिर में प्रवेश करते हैं। ते वे सभी पूजायै, पूजा के द्वारा आनितानि द्रव्याणि, लाए हुए आनितानि अर्थात लाए हुए द्रव्याणि पैसों को, वस्त्रों को, आभूषणों को ब्राह्मणाय, ब्राह्मण के लिए समर्पयन्ति, समर्पित करते हैं। ब्राह्मणम् ब्राह्मण तानि उनके द्वारा या उनके द्रव्याणि द्रव्यों को मंत्रोच्चारण सह, मंत्र के उच्चारण के साथ इष्टेभ्य इष्ट को इष्टों के लिए, देवेभ्य देवों के लिए अर्पयन्ति अर्पित करते हैं। यहां हमने देखा इसके दर्शनाय के लिए देवेभ्य और इष्टेभ्य ये लिखा हुआ है। अब ये भ्य आय क्यों है तो हमने आपको बताया था जब हम कोई शब्द प्यार करते हैं उसमें विभक्ति पहले होती है प्रथमा द्वितीया तृतीया ऐसे करते करते संबोधन तक जाता है। इसके ऊपर हम देखते हैं कि एक वचन लिखा होता है, क्या लिखा होता है एक वचन, उसके बाद द्विवचन, उसके बाद हमें प्राप्त होता है बहुवचन, बहुवचन। तो इस ये इसे लगा रहता है कि हम पढ़ क्या रहे हैं चतुर्थी विभक्ति, ये हो गया आपका चतुर्थी विभक्ति। चतुर्थी में हम क्या पढ़ रहे हैं एक वचन भी, द्विवचन भी, बहुवचन भी, तो रूप बनता है। अगर दर्शन के लिए आते हैं कौन कौन, एक लोग होते हैं, दो लोग होते हैं, तीन लोग होते हैं, तो वो रूप बन जाता है ब्राह्मणाय
ब्राह्मण्य ऐसे रूप चलता है। हमें क्या प्राप्त हुआ है? देव का रूप याद करके तो एक वचन प्रथम देव देव देवा देवम देव देवान देवेन देवाभ्यम देवई देवाय देवाभ्यम देवेभ्य देवेभ्य लिखेगा यहाँ पे तो बहुवचन हो जाएगा। तो देवेभ्य इष्टेभ्य या ब्राह्मणेभ्य ये हमें किसमें मिलते हैं? चतुर्थी विभक्ति के किस वचन में? बहुवचन में। तो रूप जब याद हो जाएगा तो आप समझ लेंगे क्यों ये भ्य लिखा आय लिखा है। आय होता है एक वचन में और भ्य होता है बहुवचन में। तो ये जो तो बहुवचन में होता है देव तो एक है नहीं, बहुत सारे देव हैं, इसलिए देव भ्य इष्टेभ्य ब्राह्मण आय एक ब्राह्मण के लिए दर्शन आय दर्शन के लिए दर्शन को एक वचन तो है नहीं, सभी लोग दर्शन कर सकते हैं। आइए जानते हैं अगली लाइनों को। ब्राह्मण तान द्रव्याणि मंत्रोच्चारेण सह इष्टेभ्य देवेभ्य अर्पयति। ब्राह्मण लोगों द्वारा लाए हुए द्रव्यों को मंत्र उच्चारण मंत्र के उच्चारण के साथ इष्टेभ्य उनके इष्ट देवताओं को देवेभ्य देवताओं को अर्पयति अर्पित करते हैं। पूजया पूजा के द्वारा भक्ता भक्तगण मानसिक पुष्टि माने तृप्ति प्राप्त करते हैं। हम पूजा क्यों करते हैं? मानसिक शांति के लिए, मानसिक तृप्ति के लिए। अंते और अंत में जना ब्राह्मण लोगों द्वारा या लोग ब्राह्मणाय हम देख रहे हैं ब्राह्मणाय अर्थात इसके लिए ब्राह्मण के लिए दक्षिणा भी यच्छन्ति अर्थात देते हैं। इस तरह से हमने देखा प्रथम चित्रफलक के माध्यम से किस तरह से संप्रदान कारक का प्रयोग करते हुए इतने शब्दों को हमने देखा जिसमें से देवेभ्य इष्टेभ्य ब्राह्मणाय दर्शनाय ये तीन चार जो शब्द हैं हमने जाना कि ये भ्य बहुवचन में आता है और आय ये एक वचन में आता है चतुर्थी विभक्ति। ये संप्रदान कारक का एक चिन्ह है जो कि के लिए प्रयोग होता है और संप्रदान हमेशा दान के अर्थ में प्रयोग होता है। जब हम कोई वस्तु किसी को अगले को देते हैं तो सीधे सीधे अर्थ में आ जाना चाहिए कि कौन सा विभक्ति होगा तो वो होगा चतुर्थी। कौन सा कारक होगा? संप्रदान कारक का चिन्ह क्या है? के लिए राम के लिए श्याम के लिए गाय दूध देती है। अगर दूध निकाला जाए तो गाय दूध देती है गौ दुग्धम ददाति सीधे सीधे हो जाता है। अगर हम मोहन के लिए लड्डू लाओ तो मोहनाय मोदकम आनय मोदकाय इसके लिए हम ला रहे हैं तो रामाय या बालकाय या रमेशाय या महेश आए तो महेश के लिए मोदकम आने महेश आए मोदकम आने तो मोदक ले आए किसके लिए? महेश आए महेश के लिए। इस तरह से हमने इस वीडियो में देखा कि किस तरह से हम संप्रदान कारक को पढ़ते हैं जानते हैं। पुनः एक बार आपके दूसरे भाग में आपका दूसरा जो पैराग्राफ है